और दोनों ही चैलेंजर बिल्कुल फॉर्म में आ गए हैं और देखते हैं इस साहस में कितने समय में 8 रोटी कंप्लीट करते हैं। शंकर जी पहले कंप्लीट करते हैं या फूलचंद जी? अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में सब्जी रोटी और चावल लगा हुआ है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है सब्जी रोटी चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सब्जी रोटी के साथ में लगा हुआ है चावल, तो आज हमारा सब्जी रोटी चावल ग्रीन सलाद ईटिंग चैलेंज है। इस चैलेंज में शंकर जी और फूलचंद जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं, देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 8 रोटी के साथ सब्जी रोटी और सलाद उड़ाता है और कौन जो है इनाम की राशि 1100 लेकर के जाता है, कौन सिर्फ सब्जी रोटी और चावल का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो महारथी बैठ चुके हैं, एक तरफ है शंकर और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं फूलचंद। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 1100 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेता है, शंकर या फिर फूलचंद। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए। शुरू हो जाए भैया, चैलेंज शुरू हो गए, देखते हैं जो साहस लगाए हैं उस साहस में कितना आगे जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करके कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो 1100 लेकर के जाते हैं, कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो सिर्फ सब्जी रोटी और चावल का आनंद लेकर जाते हैं। और दोनों ही चैलेंजर बिल्कुल फॉर्म में आ गए हैं और देखते हैं इस साहस में कितने समय में 8 रोटी कंप्लीट करते हैं। शंकर जी पहले कंप्लीट करते हैं या फूलचंद जी? और दोनों ही चैलेंजर अपने अंदाज में आ गए हैं और इन लोगों को कुछ कुछ मिल रखा है, मतलब कुछ की सब्जी मिल रखी है। बात गजब। और देखते ही देखते दोनों जिस अंदाज में चालू हुए थे उसी अंदाज में भागना चालू हो चुके हैं और जैसे कह रहे हैं कि कुछ मिल गया है, तो यहाँ पर जो सब्जी लगी है कुछ की ही लगी है। तो हमारे दर्शक बताएं किस चीज की सब्जी यहाँ पर चैलेंज में लगी हुई है? कहते नहीं सूरन ले है, अगर मतलब सूरन की सब्जी लगी हुई है तो अगर जो जीत नहीं पाएगा वो सूरन ही पाएगा, नहीं पाएगा मतलब। तो कहने का ये मतलब है कि जो जीत नहीं पाएगा रोटी चावल और सूरन की सब्जी खाकर जाएगा, और जो जीत जाएगा 1100 रुपए नगद पुरस्कार लेकर जाएगा। और देखते ही देखते 1 मिनट 8 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और लगभग लगभग कई रोटियां दोनों के थाली से गायब हो चुकी है। तीन रोटी दोनों चैलेंजर करीब करीब उड़ा चुके हैं, देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस में कितना आगे जाते हैं और कितने समय में 8 रोटियां कंप्लीट करके चावल पर ये लोग जाते हैं। बात गजब। और बहुत ही गजब अंदाज में बाइट ले रहे हैं, मस्त से बाइट लेते हुए मस्ती से रास्ते पे चल रहे हैं मंजिल की राहों पर। तो देखना है कि मंजिल पर सबसे पहले कौन पहुंचता है, शंकर या फिर फूलचंद। जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वही पाएगा 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। तो 1100 रुपए किसके जेब में जाएगा, अभी पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है। और ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं इन लोगों से सूरन की सब्जी कैसे बनी हुई है। बताने से पहले पूछने से पहले बता दे रहे हैं, तो चलिए ठीक है। तो जिस अंदाज में भाग रहे हैं फूलचंद, अपना एक्सीलेटर अब चालू कर दिए हैं स्पीड बढ़ा के, तो देखना है कि उस स्पीड को शंकर पकड़ पाते हैं या फिर केवल सब्जी रोटी चावल ही खा के जाते हैं। और सूरन की सब्जी देसी अंदाज में बनी हुई है मिट्टी के साथ बैठा करके। बात गजब। और जिस हिसाब से सूरन की सब्जी बनी है वास्तव में लाजवाब बनी होगी। और ये दोनों लोग खा रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि सब्जी बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पर पूरी तरह से शंकर पानी का प्रयोग ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि फूलचंद अभी पानी को हाथ नहीं लगाए हैं। और नहीं, नहीं पिए हैं एक बार तो। अच्छा, फूलचंद जी भी एक सिप ले लिए हैं क्योंकि स्टैंप लगा दिए हैं गिलास पे। हाँ, यहाँ पर देखते ही देखते शंकर सूरन को फोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं और रोटियों को तोड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखते ही देखते फूलचंद एक रोटी से बढ़त भी बनाना चालू कर दिए हैं, साइड में हाथ में ले रखे हैं। क्यों फूलचंद रोटी चुरा के रखते हो भाई? नहीं, बढ़त ही बन गई है क्योंकि एक बाइट बची है उस रोटी में, जबकि शंकर अब जाके रोटी उठाए हैं जिस रोटी से बढ़त बनाए थे। बढ़त बनाने कोई वो नहीं है, एंड में पता लगता है चैलेंजर कहाँ है, कौन चैलेंजर आगे है, क्योंकि शंकर जी बहुत हिसाब से खा रहे हैं, ब्रेकर को पहले सोच रहे हैं, तोड़ लेते हैं जितने भी सूरन के पीसेस हैं उसको भी साथ साथ उड़ा रहे हैं, क्योंकि सूरन के पीसेस रहेंगे चावल के साथ चल नहीं पाएंगे। और देखते ही देखते जिस हिसाब से चल रहे हैं, जब एंडिंग आती है तो टंकी फुल होती जाती है और स्पीड थोड़ा सा कम लगती जाती है। तो देखना है कि आज किस मुकाम तक पहुंचते हैं दोनों चैलेंजर, क्या इस थाली को खाली कर लेंगे या फिर केवल इंजॉयमेंट लेकर ही रह जाएंगे। लेकिन दोनों चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं और 4.25 मिनट का समय हमारा टाइमर तय कर चुका है, तो ब्रेकर भी तोड़ चुके हैं दोनों चैलेंजर करीब करीब, और आखिरी रोटी दोनों चैलेंजरों के पास बची हुई है और वो आखिरी रोटी पूरी तरह से फूलचंद अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और जो सलाद के पीसे हैं
ढाई सलाद की पीस फूलचंद लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अब दो ही बची है और यहाँ पर चार पीस शंकर के थाली में और एक रोटी बची हुई है। तो देखना है कि शंकर क्या कमाल करते हैं, क्या शंकर फूलचंद को आज मात दे पाएंगे या खुद फूलचंद से पीछे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं सूझबूझ में कौन आगे जाता है, कौन इनाम की राशि 1100 लेकर जाता है, कौन सिर्फ सब्जी चावल और रोटी का आनंद लेकर के जाता है। और ऐसा लग रहा है कि शंकर के आंखों में आंसू आना चालू हो चुका है। भैया वही गाना है कि बलम सिसकी दई के रोए, और यहाँ पर शंकर रोटी तो टो रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ छीटा का प्रभाव हो गया क्या, वो तो एंड में ही पता लगेगा क्या हुआ, क्योंकि पता नहीं लग रहा है। और हमको लग रहा है फूलचंद जी को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फूलचंद जी बढ़त बना लिए हैं तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भ्रमित करें इनको। हाँ, और इमोशनली भ्रमित करके थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार मचा के आगे बढ़ जाएं, लेकिन फूलचंद इसमें आने वाले नहीं है। फूलचंद पूरी तरह से अपना जोश खरोश दिखाना चालू कर दिए हैं और बाइट पे बाइट मारना चालू कर दिए हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं फूलचंद और क्या कमाल करते हैं शंकर। बहुत बढ़िया, तो शंकर जी ना बोल चुके हैं क्या तीखा है, क्या तीखे के वजह से हमको लग रहा था आंसू आ रहे थे और आप पड़ गया है। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं। और हवा खराब हो गई है शंकर जी की, देखते हैं फूलचंद जी कंप्लीट कर पाते हैं या फिर इनकी भी हवा खराब हो जाती है, क्योंकि कोई जोर दबाव नहीं रहता हमारे चैलेंज में। अगर कंप्लीट कर लेंगे तो इनाम की राशि पाएंगे, अगर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो खा करके आराम से जा सकते हैं। बहुत गजब। और यहाँ पर अब फूलचंद पूरी तरह से अपनी स्पीड लगा रहे हैं और स्पीड को थोड़ा सा आराम से ही लेकर चलेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि शंकर कह दिए हैं चलेंगे। अब कह रहे हैं अगर शंकर जी ना कर दिए हैं तो हम भैया जल्दी से फटाफट पैसा लेते हैं उसके बाद घर जाते हैं। हाँ, और यहाँ पर इस यहाँ समय गंवाने का कोई फायदा नहीं है। इस हिसाब से फूलचंद अपनी स्पीड बढ़ा दिए हैं और अपने एक्सीलेटर में हवा दे दिए हैं और देखना है कि क्या कमाल करते हैं फूलचंद, क्या 8 मिनट के अंदर ही इस थाली को खाली करते हैं या उसके बाहर जाते हैं। और यहाँ पर शंकर पूरी तरह से ना बोल दिए हैं और तीर धनुष रख दिए हैं तीखे के वजह से और सोच रहे हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी सूखा चावल और सलाद खा के अपना तीखापन मिटाते नजर आ रहे हैं। तीखा है क्या फूलचंद जी? तो सब्जी है तो भाई सब्जी तो अपना असर बताएगी भाई, सब्जी में अगर थोड़ा सा कुनकुनापन नहीं रहेगा तो मतलब ही क्या निकलेगी, और जब कुनकुनापन रहता है तो सब्जी खाने में भी मजा आता है, बिना तीखे के सब्जी में मजा नहीं आता खाने में। बात गजब। और यहाँ पर बाइट पे बाइट नॉन स्टॉप बाइट लेना चाह रहे हैं फूलचंद, लेकिन अभी बाइट मिलाए नहीं है पूरी तरह से चावल को, लेकिन जो मिलाए हैं उसको सोच रहे हैं फटाफट उड़ाते हैं उसके बाद चैलेंज में आगे जाते हैं। और पूरी तरह से जितना चावल था पूरी तरह से बाइट बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं और बाइट बनाना भी चालू कर दिए हैं। तो बाइट लगाते कितनी देर में है और इस बाइट को समाप्त कितनी देर में करते हैं ये देखना है, क्या हम 8 मिनट कहें तो 8 मिनट के अंदर ही फूलचंद खा लेंगे या 8 मिनट के बाहर जाएंगे। पौन जी क्या लगता है? वो तो फूलचंद जी के ऊपर कोई दबाव नहीं है क्योंकि मैच एक तरफा हो गया है, आराम से खाएं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, हम लोग दबाव भी नहीं कर सकते हैं और ऐसे भी दबाव नहीं किया जाता है। और यहाँ पर देखते ही देखते बाइट तो तेजी से लेना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत गजब, और नॉन स्टॉप बाइट लेना चालू कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस थाली को खाली करके 1100 रुपए का नगद पुरस्कार ले लेंगे। आज में तो जो साहस लगाए देखते हैं साहस में कितना आगे जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कम्प्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और शंकर जी पूरी तरह से स्पीड तो बहुत अच्छी लगाए थे लेकिन तीखे की वजह से पीछे हो गए, एक रोटी के साथ कुछ चावल छोड़ दिए हैं। बहुत बढ़िया। और फूलचंद जी सोच रहे हैं मौका बहुत कम मिलता है शंकर जी के साथ बैठ के जीतने का, आज मौका मिला है तो जीत हासिल करके ही जाएंगे। और यहाँ पर पूरी तरह से जीत तो रहे हैं लेकिन इनको भी ऐसा लग रहा है कि तीखेपन का एहसास होना चालू हो चुका है। 8 मिनट 21 सेकंड के ऊपर टाइम जा चुका है। के वजह से हमको लग रहा है, बोल रहे हैं अगर तीखे की अच्छा 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 नहीं है, नहीं मिर्ची खाने वाले इंसान को भैया तीखा कैसे लग जाएगा। और यहाँ पर वास्तव में ओवरडोज की वजह से ही थोड़ा स्पीड स्लो लेकर चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि तह पे तह जमती जाए और हम इस चैलेंज में अपने विजय को थमते जाए। बहुत बढ़िया। बात गजब। और अब देखना है कि कितना समय लगाते हैं, 9 मिनट पूरा होने वाला है, अब
क्या 10 मिनट पूरा लगा देंगे इतने बाइट में या कम लगाएंगे? नहीं, 10 क्या 12 मिनट लगा सकते हैं फूलचंद जी जिस हिसाब से खा रहे हैं। हाँ। क्योंकि कोई जोड़ दबाव नहीं है कि अगर शंकर जी चलते तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ती। हाँ, तब तो ऑटोमेटिक अभी तक समाप्त हो गया होता पूरा ही, या फिर फूलचंद जी बोल जाते हैं। हाँ। शंकर जी को देख करके दो में एक काम जरूर करते हैं। और यहाँ पर लास्ट बाइट की तरफ पहुँच चुके हैं फूलचंद और सोच रहे हैं 1100 रुपये का है छोड़ दे 2-3 बाइट के लिए। उस 1100 रुपये को अपने जेब में रखते हैं और इस बाइट को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। 9:34 के ऊपर टाइमर जा चुका है और यहाँ पर फूलचंद की जो बाइट है कह रहे बाइट खत्म ही नहीं हो रही है, कितना खा रहे चुकने ही नहीं वाली है। तो देखते हैं चुका पाते हैं या फिर नहीं। बहुत गजब, और चुका तो लेंगे क्योंकि लगभग लगभग 2 बाइट बची हुई है। और शंकर देख रहे हैं बहुत हिसाब से, सोच रहे हैं कि यार थोड़ा सा अगर नॉर्मल हमारे हिसाब से होता तो हम इस चैलेंज को जीत जाते। तो फूलचंद जी आए, हौसला दिखाए, फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। सब्जी रोटी चावल ईटिंग चैलेंज में ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और फूलचंद जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में शंकर तो स्पीड बहुत अच्छी लगाए थे शुरू में, लेकिन ऐसा मुकाम आ गया जहां से अपना तीर धनुष रख दिए और इसका फायदा बहुत अच्छी तरह से फूलचंद उठाते हुए इस चैलेंज को जीत गए और इनाम की राशि भी इनके हाथ में पहुंच चुकी है। पैसा मिल गया भैया? मिल गया। कितना है? पूरा है ना? पूरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह चैलेंज कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा। ज्यादा तीखा तो नहीं था? तीखा नहीं था पर लोटिंग ज्यादा। शंकर जी आपको? हाँ, तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और फूलचंद जी को इनाम की राशि कैश दे दिए हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।